हेलो फ्रेंड्स, डीके सिन्हा दिस साइड। पिछले सप्ताह में मार्केट ने काफी एंशियस मोमेंट दिए, चिंता का विषय बना रहा, क्योंकि मार्केट बार बार सर्टेन लेवल से रिजेक्ट हो जाता। तो ब्रॉडर मार्केट में तो लास्ट वीक में कमजोरी है, क्या मार्केट में बेरिश मूव होने की संभावना है? तो दोस्तों, ये कहना तो ऑलवेज मुश्किल होगा किसी भी एनालिस्ट के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम कर क्या सकते हैं? हम प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं, मार्केट की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं टेक्निकल स्टडीज के आधार पर, और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को मार्क कर सकते हैं, और ये बोल सकते हैं ये पर्टिकुलर लेवल्स अगर टूट जाएंगे तो गिरावट और अधिक होगी, और अगर ये लेवल के ऊपर में मार्केट चला जाएगा तो जो अभी शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ट्रेंड का रिजम्पशन होने की संभावना है। और यही कारण है दोस्तों कि इस चैनल के ऊपर में स्टॉक मार्केट की वीकली एनालिसिस हम हर सप्ताह शनिवार के दिन करते हैं, जिसमें निफ्टी की, बैंक निफ्टी की और फिन निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस करके अपने आप को आने वाले वीक के लिए तैयार करते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं प्राइस चार्ट के ऊपर में बहुत इंपॉर्टेंट की लेवल्स के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। उन लेवल्स को आपको याद रखना, क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट लेवल है जो आने वाले समय में मार्केट की दिशा को तय करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को ढेर सारे लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं, और पहले ब्रॉडर स्टॉक मार्केट का आउटलुक लेते हैं कि पिछले वीक में मार्केट ने परफॉर्म कैसा किया है। तो लास्ट वीक में जब मार्केट क्लोज हुआ 20 अक्टूबर 2023 को, तो ब्रॉडर मार्केट में कमजोरी दिखी। हम मेजर सेक्टर्स की बात करें, जो एक 75% वेटेज है जिनका निफ्टी 50 में, तो सारे बेरिश थे दोस्तों। जैसे फाइनेंशियल्स को देखें, बेरिश था, आईटी सेक्टर बेरिश था, एफएमसीजी सेक्टर बेरिश था, ऑयल एंड गैस सेक्टर बेरिश था। मिड कैप इंडेक्स 50 की बात करें तो वो भी बेरिश था। केवल कंसोलेशन कहां था? स्मॉल कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप 50 इंडेक्स जो है वो मार्जिनली बुलिश, लेकिन अगर उसके प्राइस चार्ट को देखें तो वहां भी एक शूटिंग स्टार बनता हुआ नजर आ रहा है, और प्राइस का रिजेक्शन हम क्लियरली उसमें भी देख सकते हैं। तो ब्रॉडर मार्केट में कमजोरी रही वीक ऑन वीक बेसिस पर। अगर ब्रॉडर मार्केट में मेजर इंडाइसेस में अगर वीकनेस थी, तो ऑब्वियसली दोस्तों फ्रंटलाइन इंडेक्स जो है उनमें भी वीकनेस होगी। तो इस तरह से वीक ऑन वीक बेसिस पर निफ्टी 50 1.06% से बेरिश था। बैंक निफ्टी की बात करें तो 1.28% से वीक ऑन वीक बेसिस पर बेरिश था, और फिन निफ्टी 1.12% से बेरिश था। तो सारे फ्रंटलाइन इंडेक्स की बात करें तो ये 1% से अधिक बेरिश नजर आ रहे हैं। अब मार्केट के सेंटिमेंट्स को चेक करते हैं कि मार्केट के सेंटिमेंट्स में क्या परिवर्तन आया है, मार्केट का मूड किस दिशा की ओर इशारा कर। तो पिछले एक सप्ताह के दौरान मार्केट के प्राइस एक्शन के अनुसार अगर देखें तो मार्केट का सेंटिमेंट्स खराब होना चाहिए। तो मार्केट मूड इंडेक्स को चेक करते हैं, तो अगर पिछले सैटरडे की बात करें जो लास्ट वीक में प्रायर वीक था, तो मार्केट मूड इंडेक्स जो था वो 53.68 पे था, मतलब वो ग्रिड जोन में था। और अब जब लास्ट वीक की समाप्ति हुई 20 अक्टूबर 2023 को, तो सेंटिमेंट्स खराब हुआ। मार्केट मूड इंडेक्स की जो रीडिंग है 44.71 है, तो वो फियर जोन में आता हुआ नजर आया। लेकिन ये हम नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा सेंटिमेंट्स में परिवर्तन आया। शायद कारण है कि अभी भी आशा है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कि प्राइस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास है, जहां पर एक अच्छी गिरावट जो रीसेंट टाइम में हमने देखी है निफ्टी 50 में या बैंक निफ्टी में,
तो उसके बाद में मार्केट जब भी कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनाता है तो इस तरह के प्राइस एक्शन इनवेरिएबली मार्केट में देखे जाते हैं, जिसकी चर्चा अभी प्राइस चार्ट पर चलेंगे तो हम करें। तो ऑब्वियसली मार्केट के सेंटिमेंट्स में गिरावट तो जरूर आई है लास्ट वीक में, बिकॉज मार्केट का परफॉर्मेंस इस बात को जस्टिफाई भी करता है। तो चलिए दोस्तों स्ट्रेट वे प्राइस चार्ट में चलते हैं, जहां पर निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, प्राइस एक्शन को समझते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को मार्क करते हैं और आशा कर सकते हैं जो शायद आने वाले वीक में मार्केट उन्हें रिस्पेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। हम सभी जानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस एक मेथड है जिससे हम मार्केट की भाषा को समझ सकते हैं, मार्केट के प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं, मार्केट की साइकोलॉजी को हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मार्केट को ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखते हैं। हम निफ्टी 50 के वीकली प्राइस चार्ट को रेफर करते हैं। निफ्टी की लास्ट वीक में क्लोजिंग हुई 19,542.65 पर, और इस तरह से ये 1.06% की गिरावट के साथ बंद हुआ वीक ऑन वीक बेसिस। लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है। मार्केट के स्ट्रक्चर को देखें तो हायर हाईज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन जो है वो अभी इंटैक्ट नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम कुछ और ऑब्जर्वेशन करें तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्रायर बुलिश रन के बाद ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न का निर्माण हुआ, और ये अगर हम हॉरिजेंटल लाइन खींच दें तो ये नेकलाइन, और ये नेकलाइन, ये कप एंड हैंडल पैटर्न एक कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न है। तो जब ये करेक्शन हुआ तब भी नेकलाइन टेस्ट नहीं हुई और ये करेक्शन अभी हो रहा है, तो फिलहाल तो संभावना कम नजर आ रही है कि नेकलाइन को प्राइस टेस्ट करेगी। लेकिन मार्केट के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो मार्केट के पहले मोमेंटम को समझते हैं। जब ये करेक्शन हुआ तो आप यहाँ पे आरएसआई को देखिए, और जब ये करेक्शन हो रहा है तो आरएसआई को देखिए, तो कहीं ना कहीं प्राइस जो है डाउनसाइड में ओवर एक्सटेंडेड नजर आ रही है। मैं मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी बहुत क्लियरली नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि तो अगर इस लेवल को हम इस लेवल से कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो बुलिश पिन बार बना है 3 अक्टूबर वाले वीक में, वो बुलिश पिन बार की जो शेडो है वो इंटरवीन कर रही है, तो वो एक्यूरेटली हम नहीं बोल सकते हैं कि एमडीआरपी है मोमेंटम। लेकिन कुछ बातें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ऑब्जर्व करना। लास्ट वीक की कैंडल कमजोरी तो नजर आ रही है, ऑलमोस्ट सिमिलर हाई बना के प्राइस का रिजेक्शन हुआ है बैक टू बैक 2 वीक में, और ये दोनों कैंडल को अगर हम सिंथेसाइज कर दें तो कहीं ना कहीं शूटिंग स्टार जैसा फॉर्मेशन हमें नजर आएगा। तो प्राइस रिजेक्शन तो हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब सिग्निफिकेंट बात क्या है हमारे पास ऑब्जर्व करने के लिए, कि ये प्रायर इंपल्सिव वेव है और इस वेव ने ये पिछले हाई से हायर हाई का फॉर्मेशन, और अभी तक ये करेक्शन हुआ तो ऐसा लगा कि 3 अक्टूबर को बुलिश पिन बार जो बना है और बाउंस बैक यहाँ पे हो रहा है और एक करेक्शन समाप्त हो गया, और उसके बाद वाले वीक में भी हम देखें तो फॉलो थ्रू हुआ, लेकिन प्राइस रिजेक्ट हो गई और 9 अक्टूबर वाले वीक का जो हाई था 19,843.3 का, उसको मार्केट ने फॉलो थ्रू नहीं दिया। मैं कुछ ड्राइंग को सुपर इम्पोज करता हूं। हमारे पास रेफरेंस पॉइंट क्या है आज की डेट में? हमारे पास पहला रेफरेंस पॉइंट है कि हम इसकी एक प्रायर इंपल्सिव वेव जो है इसका रिट्रेसमेंट लेवल चेक करें। साथ में हमें दिमाग में रखना होगा कि यहां पर एक गैप है, ये गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है, और ये जो गैप क्रिएट हुआ था 3 जुलाई वाले वीक में 2023। तो अगर हम इसकी रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें ये प्रायर इंपल्सिव वेव की, तो यहां पर आप देखिए 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है 19,599.25, मतलब इसे 19,600 हम मान सकते हैं। लास्ट वीक में मतलब प्रायर वीक में इसके ऊपर में क्लोजिंग हुई और प्राइस का रिजेक्शन हुआ 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल पे। वहां तक तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड प्राइस एक्शन था। एक्सपेक्टेड इसलिए था दोस्तों क्योंकि इनवेरिएबली
38.2% एक रिट्रेसमेंट के रूप में और रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, और बाउंस बैक 61.8% के ऊपर जाने के बाद वो टारगेट भी जो बोलते हैं नेक्स्ट टारगेट था 38.2% का वो अचीव हुआ। चिंता का विषय कहां है? चिंता का विषय है कि लास्ट वीक की कैंडल को अगर हम देखें तो लास्ट वीक की कैंडल को सिंथेसाइज करें प्रायर वीक से तो शूटिंग स्टार है, और एट द सेम टाइम इसकी क्लोजिंग 61.8% के नीचे, जो एक वीकनेस का सर्टनली साइन है, इसमें दो मत नहीं हो सकते। अब यहां पर कुछ प्राइस एक्शन को समझना इंपॉर्टेंट है। एक लेवल है 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल, जो डेरिवेटिव है गोल्डन रेशियो का, तो उसकी वैल्यू आती है 19,430। और इसके अलावा देखें तो ये जो वन वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, एग्जैक्टली वन वाइट सोल्जर नहीं है, बट गैप अप ओपनिंग होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। तो इस कैंडल का जो 28 अगस्त की कैंडल है, इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो 19,435। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि 19,433 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और ये जो कैंडल है इसका हाई कहां है? हाई है इसका 19,458 जो मैंने मार्क किया है। तो हम बोल सकते हैं कि इमीडिएट डिमांड एरिया कहां है? 19,433 से 19,458। अब इसे हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। हम इसे राउंड ऑफ इसीलिए करते हैं 19,400 से 19,450 को याद रखने के लिए कि ये एक डिमांड एरिया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो बुलिश पिन बार बना है 3 अक्टूबर का, ये बुलिश पिन बार बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुलिश पिन बार की रेंज जो है वो अपने आप में डिमांड जोन है, और इस बुलिश पिन बार का लोएस्ट पॉइंट क्या है? 19,333.6। तो ये लेवल भी एक सपोर्ट है जहां पर हमें एक कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज का और EMA 21 का। अब मार्केट में सबसे ज्यादा कमजोरी कब आई? मार्केट में सबसे ज्यादा कमजोरी आएगी जब ये लेवल टूट जाएगा जो मार्केट का हायर हाइज एंड हायर लोज का है। प्रायर स्विंग लो जो है वो 19,223.65 का है, और साथ में बहुत ही पास में यहां पर गैप है 19,201.7 का। तो हम बोल सकते हैं कि 19,200 हमें याद रखना है। इसके नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है तो मार्केट में गिरावट और बढ़ सकती है, और फिर ये संभावना बढ़ जाएगी कि मार्केट इस कप एंड हैंडल पैटर्न के नेकलाइन को टेस्ट करेगा जो 18,900 से 19,000 के रेंज में आता है। टू बी वेरी प्रिसाइज 18,960 पर यह लेवल आता है, तो फिर डीपर करेक्शन की संभावना है। फिलहाल तो वैसी सिचुएशन नहीं है, तो हम कंक्लूड करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल। इंपॉर्टेंट लेवल कि यहां पर 19,400 से लेकर 19,450 एक इमीडिएट डिमांड एरिया है, और वो लेवल टूटा तो फिर इसे सपोर्ट मिलेगा 19,333, क्योंकि इनवेरिएबली जब मार्केट में एक मेजर करेक्शन होता है जिसकी चर्चा मैंने शुरू में भी की, तो ये मेजर गिरावट के बाद में पहला पुल बैक जो होता है सेल आउट होता है, तभी तो जाके रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनते हैं। तो मार्केट ये भी हो सकता है करेक्ट करके यहाँ डबल बॉटम बनाए, और फिर डबल बॉटम का अपेक्स का ब्रेकआउट हो तब ट्रेंड का रिजम्पशन हो। ये भी हो सकता है मार्केट कि मार्केट यहां से इस डिमांड जोन से सपोर्ट ले 19,400 से 19,450 के जोन में और बाउंस बैक हो जाए। तो ये क्या मार्केट में करेगा ये तो नहीं कह सकते। फिलहाल हम ये बोल सकते हैं कि आने वाले वीक में 19,400 से 19,450 एक इमीडिएट सपोर्ट बैंड है, डिमांड एरिया है, और उसके बाद 19,333 तो 19,300 हम मान लेते हैं। अपसाइड में बात करें दोस्तों, तो बार बार देखिए पिछले 4 सप्ताह से प्राइस इस लेवल के ऊपर में क्लोज नहीं हो रही है। तो 19,750 से 19,850 का जो जोन है ये एक सप्लाई बैंड के रूप में काम करेगा, और इसी जोन में आ रहा है 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल 19,835 के आसपास, 34 या 35 के, 35 ही पकड़ना पड़ेगा क्योंकि प्रिसाइजली वो आता है
19,834.95, तो 835 ही पकड़ना पड़ेगा। तो ये इसका सप्लाई बैंड हो गया। अब चलते हैं डेली प्राइस चार्ट में, और डेली प्राइस चार्ट में प्राइस एक्शन को समझते हैं। अब यहां डेली प्राइस चार्ट में हम देखें तो ये एक मेजर गिरावट थी, ऑब्वियसली ये पहला पुल बैक था जो सस्टेनेबल नहीं था। जीरो टू हीरो के जो ट्यूटोरियल सीरीज है ये सारी बातें सिखाई गई, तो प्राइस का रिजेक्शन यहां से हो गया। अब ये करेक्शन हो रहा है तो मार्केट इस सिनेरियो में या तो इस बॉटम को फिर से टेस्ट करेगा और या फिर यहां से बाउंस बैक करके इस लेवल को तोड़ के ट्रेंड का रिजम्पशन हो जाएगा। अब यहां पर चिंता का विषय क्या है, यहां पर एक गैप है, ये गैप अभी तक अनफिल्ड है और वो गैप है 19,458.55। तो हम ब्रॉडली बोल सकते हैं कि 19,458.55 एक सपोर्ट है और उसके पहले वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेजेस का भी हमें सपोर्ट नजर आ रहा है। और गैप को फिल करने के प्रोसेस में हो सकता है ये लो लेवल को टेस्ट कर ले जो प्रायर पिवट है सपोर्ट का, और यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट वैसे भी है, तो 19,333। ये सब की लेवल्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रखना है कि ये कितने इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। वैसे चिंता की विषय क्यों कम है, क्योंकि EMA 21 अभी भी EMA 55 के ऊपर है, तो ब्रॉडर ट्रेंड जो है इवन शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी बुलिश है और इंटैक्ट। अब ये सिग्निफिकेंट बात क्या है दोस्तों कि प्राइस देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फिर से रिजेक्ट हो गई 61.8% से। लार्ज अपर शैडो हम देख सकते हैं जो कि कॉन्फ्लुएंस है EMA 55। तो पहला इंपॉर्टेंट लेवल है कि प्राइस EMA 21 के ऊपर में क्लोज होना चाहिए, तो वो लेवल आता है करीब 19,720 का। इनफैक्ट EMA 21 की प्रिसाइज वैल्यू जो है 19,677.44 है। तो हम अगर बोले कि कोई कैंडल अगर किसी ट्रेडिंग सेशन में 19,700 के ऊपर में अगर क्लोज हो जाती है तो हम बोल सकते हैं कि प्राइस फिर इस सप्लाई जोन में जाएगी जो 19,750 से 19,850 है। और एक बार दोस्तों प्राइस अगर 19,835 के ऊपर में क्लोज हो गई जो 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल है, तो फिर अप ट्रेंड के रिजम्पशन की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। और फिर यहां पर देखिए गैप भी है या ऑब्वियसली एक रेजिस्टेंस के रूप में आने वाले वीक में एक साबित होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मैं एक ट्रेंड लाइन खींच रहा हूं, इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें, यह ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस का सपोर्ट वर्चुअली ये लेफ्ट शोल्डर है, हेड का फॉर्मेशन है, राइट शोल्डर है। इसका डिसाइसिव ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। डिसाइसिव ब्रेकडाउन अगर हो गया तो फिर गड़बड़ है, प्रोबेबिलिटी इसके मार्केट के स्ट्रक्चर टूटने की बढ़ जाएगी, जो 19,201 के नीचे प्राइस जाने की संभावना बढ़ जाएगी। उसके बाद ऑफकोर्स उस लेवल से एक पुल बैक होगा। क्या वो पुल बैक इस नेकलाइन से ऊपर जाने में सस्टेन करेगा या फिर डाउन ट्रेंड की शुरुआत होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। तो ये सारी बातें हैं जो हमें मार्केट में अपने आप को तैयार करने में मदद कर सकती हैं कि मार्केट किस जगह पे कमजोर हो जाएगा। पहली कमजोरी आएगी जब इस ट्रेंड लाइन का एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन होता है, यानी प्राइस 19,333 के नीचे में ट्रेड होने लगे। लेकिन अगर प्राइस आने वाले वीक में, आने वाला वीक बहुत क्रूशियल है दोस्तों, प्राइस ये देखिए प्रायर कैंडल कौन सी है ट्रेडिंग सेशन की, तो प्रायर कैंडल जो है ध्यान से देखें 19 अक्टूबर की कैंडल का हाई है 19,681.80। इसका मतलब 19,700 के ऊपर में क्लोजिंग बहुत जरूरी है फॉर मार्केट को अपसाइड मूव करने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी के प्राइस चार्ट और बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन के द्वारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को निकालने की चेष्टा करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। अब हम रेफर कर रहे हैं निफ्टी बैंक के या बैंक निफ्टी के वीकली प्राइस चार्ट को, और इसकी क्लोजिंग हुई है 43,723.05 पर, और इस तरह से वीक ऑन वीक बेसिस पे 1.28% की गिरावट दर्ज की। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखें, मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाईज एंड हायर लोस का नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो है कप एंड हैंडल पैटर्न जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ये नेकलाइन एरिया है। तो यहां पर ध्यान से देखें
कि यहां पर डबल टॉप है, ये डबल टॉप है और इसका लोएस्ट पॉइंट कहाँ है, 43,600, और इसके बाद प्राइस ने मल्टीपल सपोर्ट यहां पर लिया है, ये प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन था, तो 43,400। तो 43,400 से 43,600 का जो बैंड है ये इसका इमीडिएट डिमांड इन बैंड है, सपोर्ट जोन। अगर ये लेवल टूट गया तो फिर गिरने की संभावना कम कहां हो जाएगी, ये डबल टॉप के अनुसार अगर टारगेट देखें तो उसका टारगेट फिर आता है 42,250 के आसपास, और यहां पे फिर उसे सपोर्ट, एक एडेड सपोर्ट मिलेगा EMA 55 का। तो फिलहाल तो वो इवेंट अभी हुआ नहीं, लेकिन अगर 43,400 के नीचे प्राइस ट्रेड होने लगी तो क्या होगा, इसके लोएस्ट पॉइंट का भी ब्रेकडाउन होगा और ये जो मल्टीपल टाइम कई वीक तक प्राइस ने सपोर्ट लिया है उसका भी ब्रेकडाउन होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सपोर्ट जोन 43,400 से 43,600 का। अगर हम मोमेंटम इंडिकेटर RSI को देखें और कंपेयर करने की कोशिश करें तो इस लेवल को अगर हम कंपेयर करें तो प्राइस ओवर एक्सटेंडेड नजर आ रही है, मोमेंटम में लॉस बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, उतना लॉस प्राइस में नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्राइस टू मच ओवर एक्सटेंडेड है डाउन साइड में बैंक निफ्टी। तो ये तो हो गया डिमांड एरिया। अब अपसाइड की अगर बात करें तो यहां देखिए प्राइस इस लेवल के ऊपर में क्लोज करने में दिक्कत हो रही है और यहां पर EMA 21 का भी कॉन्फ्लुएंस है। तो 44,200 से 44,360 का जो जोन है जहां प्राइस का ये रिजेक्शन है और ये लेवल जो है ये सप्लाई जोन के रूप में एक्ट करने की संभावना है बैंक निफ्टी। चलिए अब डेली प्राइस चार्ट में बढ़ते हैं। तो डेली प्राइस चार्ट में बैंक निफ्टी में हम 2 दिन के प्राइस एक्शन को देखते हैं। ये 2 दिन का प्राइस एक्शन हमें क्या इंडिकेट करता है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, बाइंग आ रही है, ये 2 दिन तक ऐसा हुआ, इन्वर्टेड हैमर जैसा फॉर्मेशन बन रहा है जो लॉस ऑफ डाउनसाइड मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। तो यहां कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोमेंटम इंडिकेटर भी 40 के ऊपर में सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है और वीकली चार्ट में हमने देखा कि प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है डाउन साइड में, लेकिन यहां पर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलेगा। मैं आपको एक ट्रेंड लाइन खींच के दिखा रहा हूं और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये देखिए मैंने ट्रेंड लाइन खींचा, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, ये देखिए प्राइस रिजेक्ट हो रही है बार बार और वो कॉन्फ्लुएंस भी है SMA 144 का। तो ये अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा जिसे एक अलग से हम मार्क करना चाहेंगे प्राइस चार्ट में। ये हमने मार्क कर दिया और ये लेवल टू बी वेरी प्रिसाइज आता है 44,059 का। तो 44,059 का लेवल, 44,059 का लेवल जो आता है ये इमीडिएट हिंड्रेंस है अपसाइड में। ये लेवल अगर टूट गया तो फिर स्ट्रगल करेगी प्राइस 44,200 से 44,360 पे, जहां पे EMA 21 वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज का भी एक कॉन्फ्लुएंस है जो रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करने की संभावना है। तो ये था इमीडिएट प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी में जो अपसाइड मूव में दिक्कतें कहां कहां ये पहुंचाएगा। एक बार प्राइस 44,360 के ऊपर में ट्रेड होने लगी तो बहुत हद तक फिर ये एक जैसे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जैसा है छोटा सा, इसके हाई के अपेक्स के ऊपर में एक बार ट्रेड होने लगी और वो लेवल कहां पे आता है अपेक्स का, वो आता है 44,711 का लेवल ये निकल के आता है। ये लेवल एक वॉचआउट लेवल है, इसके ऊपर में कोई कैंडल अगर क्लोज हो गई डेली प्राइस चार्ट पे तो फिर ट्रेंड रिजम्पशन की संभावना बैंक निफ्टी में काफी हद तक बढ़ जाएगी। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं और फाइनेंस निफ्टी की, फिन निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो हम वीकली प्राइस चार्ट को रेफर कर रहे हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के इंडेक्स। इसकी क्लोजिंग हुई है लास्ट वीक में 19,606.25 पर और इस तरह से ये 1.12% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ वीक ऑन वीक बेसिस। यहां पे प्राइस एक्शन को देखें तो ये प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का बहुत लंबे दौरान तक कई वीक तक कंसोलिडेशन के बाद में ये ब्रेकआउट हुआ। तो ये एक इंपॉर्टेंट नेकलाइन एरिया है 19,300 से
19,424 का एक इमीडिएट डिमांड है। ये डिमांड एरिया टूटेगा तो फिर इसमें गिरावट बढ़ सकती है, क्योंकि यहां पर भी एक आप देखिए डबल टॉप का फॉर्मेशन है जिसका लोएस्ट पॉइंट है 19,424। इसका मतलब 19,300 से 19,424, 19,300 कहां से आया, यहां देखिए ध्यान से, कई वीक तक प्राइस ने इस जगह पे सपोर्ट लिया है और यहां पर उसके पहले कई वीक तक रेजिस्टेंस लिया है, यहां रेजिस्टेंस लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया है, इस डिमांड एरिया के नीचे प्राइस टूटेगी तो फिर गिरने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि एक छोटा सा यहाँ पर, छोटा सा तो नहीं बोलेंगे, अच्छा खासा एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न नजर आ रहा है। अपसाइड की बात करें तो आप देखिए वीक टू वीक, बैक टू बैक टू वीक्स में प्राइस का रिजेक्शन कहां से हुआ है, 19,985 से। उसके पहले 19,828 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेवल के ऊपर में पिछले 4 वीक से या 5 वीक से कैंडल कोई भी क्लोजिंग प्राइस नहीं नजर आ रही, और उसके नीचे में अगर देखिए तो ईएमए 21 है, तो हम बोल सकते हैं आने वाले वीक में 19,828 से 19,985 का जो जोन है ये एक मेजर सप्लाई एरिया है। लेकिन प्राइस अगर 19,985 के ऊपर में क्लोज हो गई और उस कैंडल का फॉलो थ्रू हो गया तो फिर बुलिश ट्रेंड का या अप ट्रेंड का रिजम्पशन होता हुआ नजर आएगा। यहां पर भी अगर हम ध्यान से देखें तो चलिए डेली चार्ट पे चलते हैं, उसको एक्सप्लेन करूंगा डेली चार्ट पे। यहाँ डेली चार्ट में भी देखें तो ये एक कंसोलिडेशन बैंड है काफी लंबे दौरान का, ये एंटायर कंसोलिडेशन बैंड एक सपोर्ट जोन या डिमांड जोन के रूप में काम करना चाहिए। यहां पर भी ये देखें तो बैक टू बैक टू डेज में गैप डाउन ओपनिंग हुई है और उसमें बाइंग आई है और प्राइस ऐसा लग रहा है कि एसएमए 144 पे सपोर्ट ले रही है और डिफेंड कर रही है। अब यहां देखें ये लोएस्ट पॉइंट है तो ये डिमांड एरिया हो गया। इसके अलावा मैं आपको एक ट्रेंड लाइन खींच के दिखाता हूं, जैसा मैंने बैंक निफ्टी में एक्सप्लेन किया, ये देखिए मैंने इसे एक्सप्लेन, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, तो ये ट्रेंड लाइन एक इमीडिएट हिंड्रेंस है अपसाइड मूव में। तो इस हिंड्रेंस लेवल का हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रेडिंग क्या है, 19th अक्टूबर का हाई है 19,737.15। तो 19,738 के ऊपर में पहला क्लोजिंग होना इंपॉर्टेंट है, जो मार्केट में ऐसा इंडिकेट करेगा कि स्ट्रेंथ डेवलप होने की संभावना है। लेकिन रियल मोमेंटम कब डेवलप होगा, यहां देखिए प्राइस का कई दिनों तक रिजेक्शन, तो ये इस पैटर्न का ये देखिए हो सकता है ये भी डबल बॉटम बना के ये अपेक्स भी साबित हो जाए। 985 के ऊपर में जब कोई कैंडल क्लोज होगी और उस कैंडल का अगर फॉलो थ्रू होगा तो ट्रेंड का रिजम्पशन आएगा और फिर इसे रेजिस्टेंस मिलेगा, ये गैप जहां पर एक्जिस्ट कर रहा है ये गैप एक रेजिस्टेंस के रूप में साबित होगा। अब देखते हैं अगले वीक में क्या होगा, इसे तो हम रेगुलरली कवर करते हैं 3 PM स्टॉक मार्केट के लाइव सेशन में, उसे भी ज्वाइन कीजिए ताकि डेली बेसिस पे हम मार्केट के प्रति अपडेटेड रह सके। तो दोस्तों वीडियो को ढेर सारे लाइक कीजिए, आप क्या सोचते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में, आपका ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अति शीघ्र।